तो देसी वाली, हेलो दोस्तों, देसी वाली नमस्ते। और कैसे आप सब? तो आज आज है गांधी जी का बर्थडे। हाँ, गांधी जयंती, द फादर ऑफ आवर नेशन। तो उनके लिए खास मैंने एक वीडियो बना रखी है एनिमेशन से। आपने वैसे ही टाइप के एनिमेशन बहुत देखी होगी, पर मैंने, आप प्लीज़ उसे देखिए। मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है, बहुत सारा टाइम लगा था, एफर्ट्स बहुत लगी थी। थोड़े छोटे छोटे से लेग मूवमेंट से लेकर हाथ मूवमेंट देखते हो, उसमें बहुत टाइम लगा है। तो दोस्तों, ये मत समझे ना कि ये बस मिनटों का खेल है। तो आप सबके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो ये स्पेशल वीडियो समझ लो। बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो तो बनता ही है। तो दोस्तों, इन्जॉय दिस मोमेंट। मम्मी मम्मी, आप कहाँ पे हो? मैं आ चुका हूँ। मम्मी, अरे बेटा आ चुका है। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता आज क्या है? मम्मी आज क्या है? इतना भी नहीं पता तुम्हें? सोचू क्या है? हाँ बताओ। आज तो वेडनेसडे है। हाँ, अरे नहीं, आज तो गांधी जयंती है। आज गांधी जी पैदा हुए थे। अच्छा, तभी मैं सोचूं बाहर गांधी जी बन के एक इंसान क्यों घूम रहा है। अरे एक लस्सी बना दो मेरे लिए, मैं थक के आया हूँ। पापा, अरे कुछ काम खुद भी किया करो। हाँ, गांधी जी तो खुद काम करते थे अपना सारा का सारा। वो तो नौकर को अपना भाई बहन मानते थे, और आप सारा काम मुझसे करवाते हो। लाती हूँ मैं। पापा पापा, हम जब भी कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में सोचते हैं तो गांधी जी क्यों आता है? इतने सारे लोग थे जिन्होंने गांधी जी के बारे में बुरा बोला था, क्या वो सच थे? बेटा यार, ये क्या पूछते हो? तुम्हें पता नहीं कि गांधी जी ने क्या क्या कर रखा है हमारे लिए? वो बस एक ऐसे अकलौते इंसान थे जिन्होंने नॉन वायलेंस बनाया था। नॉन वायलेंस से देश की भक्ति की थी और अंग्रेजों को भगा दिया था। उनकी वजह से हम अभी यहाँ पे आराम से बात नहीं कर रहे होते। तुमने सुना ये बात? पापा, पर अगर उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ कर रखी है तो बाकी सब लोगों ने क्या क्या किया था? उनका तो कभी नाम ही नहीं आ जाता। मेरा तो फेवरेट चंद्रशेखर आज़ाद जी है, बिल्कुल आज़ाद। बेटा, वो तो मेरी भी एक प्यारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी बहुत काम किया। पर गांधी जी ही क्यों? गांधी जी ही क्यों आता है हमारे? मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ से आपको भी पता चल जाएगा कि हमें हमेशा गांधी जी के ही बोली क्यों आती है। अच्छा पापा, ये बताओ, फिर तो गांधी जी लीडर हुए ना? नहीं बेटा, मैं अभी बताता हूँ क्यों, एक कहानी के साथ जो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके पापा। मैं हूँ भगत सिंह, मैंने क्या क्या ना किया। वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, जिसने भी वॉयलेंस के बारे में बात की मैं उन्हें ठगा देता था। मैं ही हूँ वो जिसने वॉयलेंस को एक हतवावा किया था, अपने आप को फांसी में चढ़ाकर दिखाना चाहता था कि एक क्रांतिकारी कैसे खुशी खुशी मौत के मुँह है। और मैंने जो 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 भी किया है ना भारत माता के लिए, मुझे उसका फल मिल चुका है। और कुछ मुझे चाहिए नहीं था, मैं तो बस यही चाहता था कि इंडिया आज़ाद हो। भारत माता की जय हो। इनकलाब जिंदाबाद। मैं हूँ चंद्रशेखर आज़ाद। मेरे सामने जो भी आता उसे अपने बंदूक से ठोक देता। माता जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भारत माता की जय हो। उनके लिए मैंने क्या क्या नहीं कर रखा है। उनके लिए मैं तो समुंदर तोड़ के बाहर भी ले आऊँ।
उनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, इतना सब कुछ किया, भगत सिंह की मदद की, उसको छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर आखिरी में कुछ लोगों ने आके मुझे गिरफ्तार कर दिया, पर मैं आजाद हूँ, हमेशा के लिए आजाद हूँ। पर तभी मुझे अपने आप को गोली मारनी पड़ी जिससे मैं जेल ना जा सकूं। खूब लड़ी मर्दानी, मैं हूँ झांसी वाली रानी, मैंने जो भी किया झांसी के लिए करा, मैं मरूँ पर अब मेरा देश ना मरे, ये चीज रख के मैं मैदान में टूट पड़ी, साथ में साथ लड़कियों को लेके अपने बेटे को लेके खोट। मैं चाहती हूँ कि अंग्रेज सरकार जल्द से जल्दी निकल जाए, मैंने क्या क्या नहीं किया, पर कब तक लड़ पाती, एक बार तो शहीद होना ही चाहिए था ना, तो क्या हुआ, लड़ते लड़ते शहीद हो गई। बहुत लोग चर्च में भी प्रेयर करे कि काश हो जाए, काश इंडिया आज़ाद हो जाए, बहुत कुछ हुआ पर आखिरी में भी लोगों ने हार मान ली। तो बेटा तुम सब पूछते होगे कि बस मैं ही क्यों, मैं ही कोई एक एक बोलूं भी कितना, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने आज़ादी भी लड़ी थी, पर तुम मुझे इतना इसलिए जानते हो क्योंकि मेरे अपनी उम्र तक बहुत सारी सेवा की, भारत माता के लिए क्या क्या नहीं किया, उसी के सीख के लिए आप सब मेरे बारे में ज़्यादा पढ़ते हो जिससे आपको मेरे बारे में सीख पड़े, ऐसा मत सोचो कि मैंने इतना बड़ा काम किया था। अलविदा। वंदे मातरम। तो बेटा तुमने सुना, हाँ मैंने जो भी कहानी सुनाई वो सच थी, इसी के बारे में तुम्हें भी समझ लाना चाहिए। अच्छा पापा मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, मैं अभी टीचर को यही कहानी सुनाऊँगा। हाँ बेटा तुम्हारी टीचर भी बोलेंगी ओ माय गॉड। चलो पिज़्ज़ा खाने चलते, ये